मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पिछले दिनों थोक व्यापारियों के साथ क्राइसिस कमेटी की बैठक में हुई निर्णयों के बाद 4 घंटे की राहत दी गई ताकि थोक व्यापारी माल का डिस्पेच सहित दुकानों के आवश्यक कार्य कर सके। इंदौर में शनिवार सुबह जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा थोक क्लॉथ मार्केट कपड़ा एसोसिएशन के साथ मिलकर मार्केट का निरीक्षण किया गया, जिसमें जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार पालन करते हुए व्यापारियों को 4 घंटे के लिए दुकान खोलने की अनुमति दी गई, जिसमें थोक व्यापारी केवल अपने माल को डिस्पेस कर रिटेलर तक पहुंचा सकेंगे और जो माल गोडाउन में रखा हुआ है वह खराब ना हो और उसे खपा सके। थोक व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 माह से काफ़ी सारा कपड़ा व अन्य सामान दुकानों सहित गोडाउन में पड़ा हुआ है, जो कि चूहे सहित अन्य कारणों से खराब होने की आशंका बनी हुई थी, जिससे कि काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। इन्हीं सब कारणों को लेकर पिछले दिनों आपदा प्रभारी तुलसी सिलावट सहित क्राइसिस कमेटी से दुकानें खोलने का आग्रह किया गया था, जिसमें मानकर अब 4 घंटे की छूट दी गई है, जिससे कि अब सब अपनी दुकानों पर काम कर सकेंगे और जल्द ही GST और रिटर्न की फाइन का कार्य समाप्त कर सकेंगे। इसके लिए एसोसिएशन ने क्राइसिस कमेटी का आभार भी व्यक्त किया है। थोक बाजार खोलने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा थोक व्यापारियों को माल डिस्पेस करने की सुबह 9 से 1 बजे तक छूट दी गई है, ताकि थोक व्यापारी अपना कार्य कर सके और इनका जो माल गोडाउन में या अन्य स्थानों पर रखा हुआ है वह खराब ना हो सके। खैर, बता दें, इंदौर शहर में थोक व्यापारियों के पास बड़ी संख्या में माल जमा होता है, क्योंकि इंदौर से ही प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी व्यापार किया जाता है और इंदौर के सहारे ही कई जिले व्यापार को लेकर आश्रित हैं। शहर के थोक व्यापारियों को राहत देकर मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों को भी व्यापार से लाभ होगा। परमिशन दी गई थी, कपड़ा मार्केट व्यवसायी यहाँ पर डिस्पैच करने आए हुए थे जी, तो आपने निरीक्षण भी किया और समझाइश भी दी है। देखिए, ऐसा है कि ये क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी माननीय मंत्री महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदया और कलेक्टर साहब से मिले थे और इन्होंने अपनी एक मांग रखी थी कि साहब 2 महीनों से हमारा सामान माल हमारा दुकान के अंदर रखा हुआ है और हमें ऑर्डर हमारे पास हैं, हमें कोई खेरची काम नहीं करना है, लेकिन जो ऑर्डर्स हमारे पास हैं 2 महीनों से लोगों को, व्यापारियों को, हम लोग, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है पूरे मध्य प्रदेश का और बाकी दूसरे राज्यों का भी, तो हमें जो डिस्पैच का काम करना है उसकी अनुमति हमें मिल जाए, समय टाइम बीइंग मिल जाए, तो उसके बाद हम लोग कम से कम अपना माल भी बेच पाएंगे। बारिश का समय भी शुरू हो रहा है, इस सब के चलते जो माननीय मंत्री महोदय और सब लोगों ने तय किया कि इनको 4 घंटे 9 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में इनके जो व्यापारियों के जो होल सेल के ऑर्डर्स हैं इसका माल डिलीवर करने की, इनको डिस्पैच करने की इस शर्त के साथ कि कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करेंगे लोग, तो इनको अनुमति दी गई थी कि ये लोग अपना माल डिस्पैच कर पाएंगे। तो साथ ही में बाजार भी दूसरे जो हैं आसपास के, उनके भी परमिशन के लिए हुआ है। देखिए, अभी उन लोगों ने भी अपनी बात रखी है, धीमे धीमे हमको शहर को अनलॉक की तरफ बढ़ना है, तो हमारी जो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो इसको ग्रेजुअली तय करते जाएंगे। तो मंडे से सराफा बाजार में भी इसी तरह के जो होलसेल का, मैं आपको पुनः अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो काम है ये केवल होलसेल के वन टाइम इस तरह से रहेगा कि 3 से 4 घंटे में जिनके जो होलसेल के ऑर्डर्स हैं उनको डिस्पैच कर सकें, ताकि व्यापार भी धीमे धीमे गतिविधि रोड पे या पटरी पे आए और साथ में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका भी पालन सुनिश्चित हो। ये कोई खेरची काम नहीं है, रिटेल दुकान नहीं खुली है, ना कपड़े की, ना ज्वेलरी की और ना ही किसी फुटवेयर वगैरह की, ये आगे मंडे से ये लोग काम करेंगे, सब होलसेल का है। सभी कपड़ा बाजार के व्यापारी बंधुओं को यह अवगत कराना चाहूँगा कि जिस शर्तों के साथ, जिस कमिटमेंट के साथ आप लोग को अपने थोक व्यापार को डिस्पैच करने की अनुमति आप लोगों ने ली है, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद समझदार हैं, जैसा कि आपके संस्था के पदाधिकारियों ने आपको अवगत कराया है कि हम लोग इसको 100% निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारा कोविड बिहेवियर है उसको भी हम फॉलो करें। मैं सभी संस्था के पदाधिकारियों से, व्यापारी बंधुओं से, केवल जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, हमारे नगर निगम के प्रशासन की ओर से इतना आश्वस्त करना चाहूँगा कि जब तक आप लोग शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे तब तक आपको किसी तरह की कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह से माल को प्रबंधन द्वारा इसको आगे बढ़ने के लिए मैं तुम्हारा सभी व्यापारी बंधुओं का आपको अपर कलेक्टर ने दौरा करा है और क्या रियायत मिली,
रियायत तो यह है कि एक्चुअल में सोमवार से सुबह 9 से 1 बजे तक का होलसेल के व्यापारियों को एक आदेश निकाल रहे हैं। उसके पूर्व में हमने एक आग्रह किया था कि कपड़ा मार्केट के व्यापारियों का माल गोडाउन पर पड़ा हुआ है, वेयर हाउस में और ट्रांसपोर्ट पे, वो कृपया चूहे वगैरह इन सब से और डैमरेज लग रहा था तो उनकी व्यवस्था, एक तो जो अपनी दुकान के अंदर अपना माल कर ले, प्लस कुछ माल आर्डर का जो ट्रांसपोर्ट पे भेजने का था वो भेजने के लिए हमको एक परमिशन मिली है। साथ में GST और TDS वगैरह का जो गवर्नमेंट के कार्य हैं सारे, वो सब पेंडिंग थे, उनकी तारीख नज़दीक आ चुकी थी। वो व्यापारी को अपनी दुकान में बैठ के, क्योंकि सिस्टम सारा व्यापारी का अपनी दुकान में लगा रहता है, वो व्यापारी अपनी दुकान में आके वो काम कर ले, इसके लिए 3 घंटे की, आज जो 4 घंटे की मोहलत दी थी, हम उनके काफ़ी आभारी हैं, पूरे प्रशासन के अधिकारियों के, माननीय विधायक जी के, माननीय सांसद जी के, माननीय मंत्री महोदय के, कि जिन्होंने हमारी इस मांग को स्वीकार करते हुए हमें ये छूट प्रदान की। और आगे हमने पूरे, क्योंकि माननीय पवन जैन साहब, CSP साहब, SDM साहब सभी यहाँ निरीक्षण करके गए, उन्हें किसी प्रकार की कोई कहीं पे भी अनियमितता नहीं दिखी है, तो उनका ये कहना है कि अब आज जो ट्रायल करी थी, इस प्रकार से अगर हम आगे भी हमको ये छूट मिलेगी तो हम इसका नियम का पालन करते हुए इस कार्य को आगे चलते हैं। शनिवार और रविवार तो संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, उसके विषय में फिर कैसे आपका ट्रांसपोर्ट परिस्थिति में? आज कुछ ट्रांसपोर्ट ने डिलीवरी का काम चालू रखा है, वो ट्रांसपोर्ट डिलीवरी भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट माल ले नहीं रहे हैं, बाकी डिलीवरी आ रही है। आपका नाम? कैलाश मुंगड़, सेक्रेटरी महाराजा तुकोजीराव क्लॉथ मार्केट।